वेलकम टू दीपूस किचन। आप सबको मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। और आज हम बनाएंगे सैंडविच पिज्जा, जिसके लिए सामग्री है ब्रेड है, फिर स्वीट कॉर्न है, कैप्सिकम है बारीक कटा हुआ, ऑनियन है बारीक कटा हुआ, मोजरेला चीज है और चीज क्यूब है, वो दोनों को हमने कीस के रखा है। और ये लहसुन और टोमेटो की चटनी है, और ये फुदीना की चटनी है, और बटर है, फिर ये है ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, और ये है सीजनिंग। अभी हम बनाएंगे पिज्जा सैंडविच। अभी हम पहले सबसे पहले इसको मिक्स कर देंगे एक बाउल में। पहले डालेंगे बारीक कटा हुआ ऑनियन, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न और मोजरेला चीज और ये चीज क्यूब, सब हम डाल देंगे पहले। उसके अंदर डालेंगे सीजनिंग है, इसको हम मिक्स करेंगे। हम पिज्जा सैंडविच बना रहे हैं इसके, इसलिए हम पिज्जा के टाइप भी करेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि स्वीट कॉर्न बॉईल किया हुआ है उसमें भी मैंने थोड़ा नमक डाला हुआ है, और चीज़ वैसे भी नमकीन रहता है। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से उसको मिक्स करके रखा है। अभी हम पहले ब्रेड में बटर लगाएंगे। और एक ब्रेड में भी बटर लगा, अभी हमने ये ब्रेड में लगा बटर लगा दिया है। हम इसके ऊपर पुदीना का चटनी लगाएंगे अच्छे से। हो गया, अभी हम इसके ऊपर रेड चटनी लगाएंगे जो टमाटर और लहसुन का दिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर हमारा मिक्सर लगा देंगे पिज्जा का। अच्छे से लगाएंगे। अभी हम इसके ऊपर ब्रेड रख देंगे। इसको हम पहले रोस्ट करके करने को रख देते हैं। दूसरा भी कर लेते हैं,
पिज्जा रेडी हो गया है, जिसको हम तीन चटनी के साथ सर्व किए हैं, रेड चटनी, ग्रीन चटनी और व्हाइट चटनी के साथ। अभी आप सैंडविच पिज्जा का मजा ले उठा सकते हैं। आज हम बनाएंगे चीज़ वेजिटेबल सैंडविच, जिसके लिए सामग्री है ब्रेड, ऑनियन कटा हुआ, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रीन चटनी, टोमेटो, एप्पल स्लाइसेस, बटर, चीज़ और कोकुम्बर काकड़ी। अब हम बनाएंगे चीज़ सैंडविच, चीज़ वेजिटेबल सैंडविच, जिसके लिए हम पहले प्लेट में बटर लगा देंगे अच्छे से। इसके बाद ग्रीन चटनी लगाएंगे। उसके बाद लगा देंगे टमाटर की स्लाइसेस। लगा देंगे हम एप्पल स्लाइसेस। इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार। अभी हम उसको भी ऊपर रखेंगे। ऑनियन स्लाइसेस, इसके ऊपर रखेंगे हम थोड़ा सा चीज। वापस एक प्लेट में हम बटर लगाएंगे। इसके ऊपर लगाएंगे ग्रीन चटनी। इसको रख देंगे हम अच्छे से। इसको हम पहले कट कर लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम चीज। ये ग्रिल मसाला सैंडविच, जिसके लिए हमने आलू बॉईल करके रखा है, मटर को बॉईल करके रखा है, ऑनियन बारीक कट किया हुआ है, करी पत्ता लिया है, शुगर लिया है, नमक लिया है, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया और नींबू। अब हम बनाएंगे ग्रिल सैंडविच के लिए मसाला। अभी हमने तेल रखा है कढ़ाई में। अब हम करी पत्ता डालेंगे।
थोड़ा सा नमक डालेंगे इस पैन पर, थोड़ा सा हम शुगर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। नींबू डालेंगे हम, इसमें आलू डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मसाला रेडी हो गया है। तो हम एक बाउल में उसको निकाल देंगे। ब्रेड पे बटर लगा देंगे। इसी तरह दूसरे ब्रेड में भी लगा देंगे। और एक ब्रेड में भी लगा देंगे। अभी हम इसके ऊपर इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा दिया, फिर हम इसके ऊपर मसाला लगा देंगे। इसके ऊपर एक वापस ब्रेड लगा देंगे। अभी हम टोस्टर में इसको रख देंगे।
अभी हम टोस्टर में उसको टोस्ट करेंगे। रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे और प्लेट में रख देंगे और एक साइड। अभी हमारा सैंडविच रेडी हो गया है।